नमस्कार और सलाम। ये हमारा पहला वीडियो है इस स्किल का जिसमें हम वाकई कुछ शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने 3 वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इसमें हमने बस सिर्फ परिचय और थोड़ा बहुत स्किल के बारे में समझा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपने स्किल सर्वर और SSMS का जो सेटअप है वो डाउनलोड किया होगा और इंस्टॉल करना उसको जरूरी है ये वीडियो देखने के पहले, क्योंकि हम इसमें वाकई अभी शुरू करने वाले हैं कि SQL सर्वर में हम SQL की क्वेरीज या स्टेटमेंट्स कैसे लिखना है और उनको समझना है। तो बगैर इंस्टॉल किए फायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना है इसके बाद। तो मेरी सलाह यही है कि आप इंस्टॉल करें और फिर इस वीडियो को देखें ताकि फिर आप तुरंत प्रैक्टिस कर सके। तो अगर आपने इंस्टॉल किए हैं मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शंस जो मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे उसके हिसाब से इंस्टॉल कर लो अगर अभी भी नहीं किया तो। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप स्टार्ट मेन्यू में जाते हो, आपको बस SSMS ये लिखना है स्टार्ट मेन्यू में, तो आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 18। इस पर क्लिक करना है आपको, कुछ सेकेंड लगेंगे या हो सकता है 1 मिनट शुरू होने के लिए। थोड़ा रुकते हैं जब तक ये शुरू होता है। जैसे ये शुरू होना शुरू होगा आपको एक स्क्रीन दिखेंगी, ये लॉगिन स्क्रीन नहीं कहूंगा मैं इसको, बट अभी शुरू हो रहा है बस SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और इसके बाद आएगी लॉगिन स्क्रीन। और थोड़ा देर रुकते हैं। ओके, तो अब ये शुरू होकर आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। आपको यहाँ पर बस करना क्या है कि ये इस तरीके की स्क्रीन मिलेगी आपको, ये कनेक्ट टू सर्वर है जो हम सर्वर से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट पे प्रेस करना है। लेकिन क्योंकि आपने नया इंस्टॉलेशन किया होगा तो ये जो सर्वर नेम है ये आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, हो सकता है। तो आपको करना सिर्फ ये है, इस ड्रॉप डाउन को पुल करना है या क्लिक करें, ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक कीजिए। इसके बाद डेटाबेस इंजन में आपको एक नाम दिखेगा, बस उस नाम को सिलेक्ट करके ओके कीजिए। अब ये नाम जो दिख रहा है ये मेरे लैपटॉप का नाम या डेस्कटॉप का नाम है, बट आपके यहाँ पर ये सेम नाम नहीं रहेगा, आपका नाम जो होगा पीसी का या लैपटॉप का वो आएगा यहाँ पर, बस उसको क्लिक करके ओके कीजिए और फिर वो यहाँ आ जाता है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, बाकी सब ऐसे ही रखना है, डेटाबेस इंजन, विंडोज ऑथेंटिकेशन और कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, अभी हम सर्वर से कनेक्टेड है, इसके बाद आपको आपके लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये जो है, इस चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, जहां से हम सर्वर के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं डेटाबेस टेबल्स वगैरह उनको ब्राउज कर सकते हैं। अगर मान लो ये क्लोज हो जाता है एक्सीडेंटली तो आप इसको वापस से भी ला सकते हैं, व्यू ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर कीजिए, F8 उसका शॉर्टकट है। अब इसमें आपको करना क्या है, तो सबसे पहला जो हम SQL कमांड या क्वेरी या स्टेटमेंट कहिए वो जो देखने वाले हैं वो है, हमें सबसे पहले ये जानना है कि डेटाबेस कैसे बनाना। डेटाबेस मान लो एक बहुत बड़ा ऐसा कंटेनर है, ऐसे अभी के लिए समझ लो क्योंकि शुरुआत है हमारी, बाद में आप खुद ब खुद चीजें समझ जाओगे। तो अभी के लिए हम मानते हैं कि एक डेटाबेस बनाना बहुत जरूरी। डेटाबेस के अंदर फिर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, जैसे टेबल्स खास करके जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, क्वेरी करेंगे और भी चीजें। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि डेटाबेस बनाना। अब डेटाबेस अगर आप देख रहे हो यहाँ पर डेटाबेस का एक फोल्डर है, अगर हम इस प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये खुल जाता है। इसके अंदर दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं, एक है सिस्टम डेटाबेसेस जो सर्वर के काम के लिए होते हैं जिनको हमें टच नहीं करना है, आगे चल के मैं कभी इसके बारे में भी बताऊंगा, और बाकी जो होते हैं वो यूजर डिफाइंड डेटाबेस जो हम खुद बनाने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने ये कई सारे डेटाबेसेस बनाए, एडवेंचर वर्क्स, DW, SQL ट्रेनिंग, टेस्ट, ये सब डेटाबेसेस हैं। तो डेटाबेस कैसे बनाएंगे, दो तरीके हैं। आप डेटाबेस के फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए और न्यू डेटाबेस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा,
इसमें बस आपको क्या करना है, एक नाम चूज करना है। तो मैं इसका नाम देता हूँ ट्रेनिंग। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम देते वक्त सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसा नाम चूज कीजिए जो ऑलरेडी एक वो नाम कोई दूसरे डेटाबेस को नहीं दिया गया है, वरना एरर आ सकता है। अब ये एक तरीका है डेटाबेस बनाने का। एक और भी तरीका है, मैं वो भी बताऊंगा अभी। और अगर आपको डेटाबेस नहीं चाहिए तो आप सिंपली उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसमें डिलीट करना अच्छी बात है, बट जब अगर आप लाइव कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ये मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि गलती से आप कोई ऐसा डेटाबेस डिलीट कर ले जिसमें वाकई काम का डेटा है, तो उसको वापस लाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीजें जो है, जब तक कि आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता, सिर्फ आप डमी डेटा और डमी एनवायरमेंट पे ही काम कीजिए। अब हमें ये तो ठीक है, ये एक तरीका मैंने बताया आपको राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस वगैरह हमने मेन्यू से किया। हमारा असल मकसद इस पूरे से पूरे जो वीडियोस है वो ये है कि हम एसक्यूएल की जो क्वेरी है लैंग्वेज वो सीखे, ना कि हम मेन्यू से कुछ करें। मेन्यू से कुछ ही चीजें आप कर सकते हो, वैसे भी हर चीज नहीं कर सकते, बट हमारा फोकस ऐसा होना चाहिए एसक्यूएल सीखते वक्त कि हर चीज है ना हमें क्वेरी या एसक्यूएल के जो कमांड्स है या स्टेटमेंट्स है उससे ही करना है काम, तभी आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये करने के लिए क्या करना है आपको, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर मेन्यू में ऊपर न्यू क्वेरी है, या आप कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको दिखेगा ये राइट साइड वाली जो स्पेस है पूरी की पूरी व्हाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये चीज क्या है, ये क्वेरी विंडो है, ये वो जगह है जहां पर हम क्वेरीज लिखेंगे, एसक्यूएल कमांड्स या स्टेटमेंट्स के ये लिखेंगे और उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेरी जो हम देख रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं हम डेटाबेस क्वेरी से कैसे बना सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि एसक्यूएल सीखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें बस छोटे छोटे सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, और हर हर ऑपरेशन हर काम के लिए एक एक एसक्यूएल क्वेरी हम देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं कि एसक्यूएल क्वेरी से हम डेटाबेस कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, जब भी हमें एक नया डेटाबेस बनाना है हमें यूज करना होगा क्रिएट डेटाबेस नाम का स्टेटमेंट। तो क्रिएट डेटाबेस, ये दो अलग वर्ड्स है, इनके बीच में स्पेस होना जरूरी है, और उसके बाद आपको चूज करना है डेटाबेस का नाम। और वही करना है आपको कि डेटाबेस का नाम ऐसा नाम चूज करो जिस नाम से ऑलरेडी डेटाबेस नहीं बनाया गया पहले से। तो मैंने इसीलिए अभी ट्रेनिंग किया, हालांकि हमने पहले भी ट्रेनिंग किया था बट मैंने उसको डिलीट किया, इसलिए अभी मैं ये नाम चूज कर सकता हूँ क्योंकि अब ट्रेनिंग नाम का कोई डेटाबेस है नहीं। अब ये लिखना, अब दो चीजें क्या है एसक्यूएल में, एक है स्टेटमेंट को लिखना और दूसरा है उसको एग्जीक्यूट करना या रन करना। तो जब तक आप उसको एग्जीक्यूट या रन नहीं करते तब तक आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। अभी मैंने बस लिखा है लेकिन इसका कुछ भी अभी आउटपुट या इम्पैक्ट नहीं आया है। तो इस ये करने के लिए, इसको रन करने के लिए देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट है, अगर आप देख पा रहे हैं इसका शॉर्टकट F5, आप एग्जीक्यूट पे क्लिक कीजिए या F5 प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप ये करोगे ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, और इस अगर क्वेरी में सब कुछ सही है तो कमांड आपकी सक्सेसफुल होगी, ऐसा आपको नीचे एक मैसेज दिखेगा कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुल। बस अभी थोड़ा सा इसमें अलग क्या है, आपको डेटाबेस के फोल्डर पे जाना है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है, तब जाके आपको आपका ट्रेनिंग का डेटाबेस दिख जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आप एक नया डेटाबेस बना सकते हैं, और इसके अंदर हम आगे चल के बहुत भी चीजें देखने वाले। अब ये फिलहाल क्या है, एक ब्लैंक डेटाबेस है, मतलब एक खाली कंटेनर है, फिलहाल इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हम इसमें आगे चल के ना काफी सारी चीजें हम बनाने वाले हैं। तो वापस से मैं दोहराना चाहता हूँ कि डेटाबेस क्या है, जस्ट एक ऐसा फिलहाल के लिए मान लो एक बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर हम कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या चीजें बनाने वाले हैं, और उसके अंदर फिर हम बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, देखते रहिए और बने रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।